भारत माता की, भारत माता की। तेजाजी स्टेडियम के इस खेल महोत्सव के अंदर पधारे इटावा के गांव ढाणी से मेरे नौजवान खिलाड़ियों बहनों, में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस समारोह में इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए गांव-गांव से आए सभी अतिथियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये खेल महोत्सव हमारे नौजवानों की ऊर्जा, सामर्थ्य, उनकी नई चेतना का उदय है। मुझे खुशी है कि इटावा विधानसभा के हर गांव से नौजवान खिलाड़ी, हमारी बहनें बहुत उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, जोश के साथ हर पंचायत के अंदर, पंचायत में आने वाले गांव के अंदर सबने अपनी अपनी टीम बनाकर वहां प्रतियोगिता के अंदर जीत हार का फैसला किया। खेल के मैदान में जब खिलाड़ी आता है तो उसमें असीम ऊर्जा होती है, कभी हारता है कभी जीतता है, लेकिन खिलाड़ी कभी विराम विश्राम नहीं करता। अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खिलाड़ी वही होता है जो खेल के मैदान में भी और अपने जीवन के अंदर भी कभी हारता है कभी जीतता है, कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका लक्ष्य एक दिन जीतना होता है। और इसीलिए खिलाड़ी के लिए कहते हैं कि अगर हमें खिलाड़ी को अगर कंटिन्यूस तरीके से, नियमित तरीके से खेल के मैदान में खेलना है तो हार जीत की चिंता नहीं करना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए और कंटिन्यूसली होना चाहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए लेकिन निरंतरता रहनी चाहिए। और इसीलिए मैं खिलाड़ियों के बीच में जब आता हूं मैं उनके उत्साह, ऊर्जा और सामर्थ्य को देखकर मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है। और भारत के अंदर आज, नए भारत के अंदर हमारा खिलाड़ी जो गांव से आता है, दूर दराज के इलाके से आता है, जो अभाव में रहता है, लेकिन जब लक्ष्य और आत्मविश्वास के साथ करता है तो दुनिया के अंदर मेडल जीत कर भी आता है, तो गांव का वो जवान खिलाड़ी आता है। और मैं यहां पर यही देखना चाहता हूं कि मेरा नौजवान खिलाड़ी गांव से निकलकर आने वाले समय में कॉमनवेल्थ में, ओलंपियड में
स्वर्ण पदक जीते, मेडल जीते और उस गांव का नाम रोशन भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर करने का काम करे। और जब वह गांव में लौटेगा तो हर गांव के लोगों को खुशी होगी कि हमारी इस माटी का नौजवान, इसने भारत का शान रखी है, तिरंगा का मान रखा है और पूरा गांव में उत्साह का वातावरण होता है। आज मैं देख रहा हूं यहां पर जो बुजुर्ग खेल के मैदान में नहीं आए लेकिन उनमें भी उत्साह है कि हमारा नौजवान खिलाड़ी खेल के मैदान में खेल रहा है। और इसीलिए खिलाड़ी जब खेल के मैदान में खेलता है तो वह अन्य नौजवानों से अलग दिखता है, क्योंकि वह मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है और उसके मन में और जीवन में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावना रहती है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावना यही रहती है, लगातार अपने ध्येय के लिए लड़ते रहो, प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास से करते रहो, एक दिन हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ये खिलाड़ी के मन में हमेशा भाव रहता है। और इसीलिए आज जब मेरे मन में विचार आया तो एक विचार आया कि क्यों नहीं हर गांव के अंदर जो खिलाड़ी है, जहां खेल का मैदान नहीं है लेकिन उसमें प्रतिभा है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है, उसमें ऊर्जा है, खेल के प्रति लगन है, उनको एक खेल महोत्सव के रूप में एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम हर क्षेत्र में आगे हैं और दुनिया में आने वाले समय के अंदर जिस दिन खेल के अंदर दुनिया में आगे हो जाएंगे, भारत दुनिया से में सबसे आगे होगा, ये खेल में आगे होने के बाद भी सबसे आगे होगा। क्योंकि खेल के बाद हमारा जो नौजवान में जो सामर्थ्य, ऊर्जा, उत्साह, उमंग आएगा, उससे वह नई चिंता, नई सोच के साथ नए बदलाव का भारत बनाएगा। आज मैं गांव में यहां देख रहा हूं जो गांव में नौजवान आया है केवल खेल मैदान तक ही सीमित नहीं है, अब वह गांव में जाएगा, मुझे गांव का विकास करना है, गांव को स्वच्छ बनाना है, गांव को हरा भरा बनाना है, मेरा स्कूल अच्छा होना चाहिए, वहां पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए और मेरा बच्चा, मेरा छोटा भाई चरित्रवान और देशभक्त होना चाहिए। और यह जब भावना ये गांव के अंदर ये खिलाड़ी हर गांव में जाकर अपने नौजवान साथियों के बीच में ये विचार व्यक्त करेंगे कि ये गांव मेरा है, अपना है, इस गांव में हम रहते हैं, इस गांव में हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या क्या इस गांव में विकास की आवश्यकता है, तो मेरा दावा है, विश्वास है, ये नौजवान खिलाड़ी उस गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। और इसीलिए मैं उनकी आंखों में और सपना देख रहा हूं, अपने गांव को बदलने का सपना, अपने जीवन को बदलने का सपना और हमारी आने वाली पीढ़ी के जीवन को बदलने का सपना मैं देख रहा हूं। और इसीलिए मौसम भी परिवर्तन होगा और मिजाज भी परिवर्तन होगा और हमें हर गांव के अंदर एक बदलाव की नई दिशा तय करनी है, एक ऐसा गांव खड़ा करना चाहिए जिसमें तमाम सुविधा हो, खेल के मैदान के लिए मांग उठने लगे, खिलाड़ी के अंदर एक टीम भावना होती है,
खिलाड़ी में एक सामूहिकता की भावना होती है, खिलाड़ी में एक प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। देश को आगे बढ़ाने की, गांव का आगे बढ़ाने की, हमारे नौजवानों का आगे बढ़ाने की, ये तीन चरित्र गांव के अंदर खिलाड़ी के मन में होता है। अब यहां पर आए, एक टीम का कप्तान, एक उसकी टीम है, ये टीम भावना है। सामूहिकता के साथ खेल रहे हैं, सब मिलकर खेल रहे हैं, ये सामूहिकता की भावना है। जीतने का लक्ष्य आत्मविश्वास है, ये जुनून है बदलाव का, ये सब खिलाड़ी के चरित्र में नजर आता है। और इसीलिए ये जो खिलाड़ी यहां पर खेल रहे हैं, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो या कबड्डी खेल रहे हो या रस्साकसी खेल रहे हैं, उन सब खिलाड़ियों की टीम को जब लोकसभा का अंतिम पड़ाव होगा, जब उनको खेल के सामान भी देंगे ताकि वह गांव के अंदर प्रैक्टिस कर सके, और अगले 5 साल के अंदर हमारा लक्ष्य होगा कि हर गांव के अंदर खेल मैदान हो और उस गांव के अंदर एक खेल को खेलने की ऐसी प्रतिभा निकले कि पहले हमारे जिले में, फिर प्रदेश में, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह गांव का खिलाड़ी नेतृत्व करे। ऐसा हमें एक माहौल बनाने की आवश्यकता है। और इसीलिए खिलाड़ी साथियों, मुझे आपसे बहुत अपेक्षा है, मुझे अपेक्षा भी आकांक्षा भी है। मैं लोकसभा के अंदर लोगों को सुनता हूं, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं, लोगों की समस्याओं की, लोगों की कठिनाइयों, लोगों के अभावों। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आप यहां से जब जाएं खेल के मैदान से, तो मेरी अपेक्षा है कि गांव के अंदर सामूहिकता के साथ टीम भावना को लेकर बैठे। हर गांव में 25-50 नौजवान की कार्य योजना बने कि हमें गांव में क्या क्या बदलाव करना है, हमें किस तरीके से एमपी साहब से मिलकर, सरपंच साहब से मिलकर इस गांव में पहला बदलाव क्या क्या होना चाहिए, उसकी योजना बने। गांव के बुजुर्ग अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन ले और उसको एग्जीक्यूशन का काम करने का काम नौजवान करे। मैं देखता हूं गांव में जाते हैं तो मुझे बहुत सारे नौजवान मिलते हैं, मोबाइल तो चलाते रहते हैं, इंटरनेट भी चलाते रहते हैं, कुछ समय मोबाइल इंटरनेट का कुछ समय निकालकर खेल के मैदान में और गांव के विकास में भी हमारी कार्य योजना का हिस्सा बनना चाहिए। एक बात बताओ, एक गांव के अंदर अगर 25 खिलाड़ी हैं और 25 खिलाड़ी बनाकर अगर 50 नौजवानों को और इकट्ठा करकर और हम गांव के अंदर आने वाले समय के अंदर कहें कि हमारा गांव सबसे हरा भरा होना चाहिए। जब मैं जयपुर के पास एक गांव में गया तो मैंने देखा उस गांव के अंदर उस गांव के लोगों ने उस गांव की दशा को परिवर्तन कर दिया। उन्होंने आने वाले पानी को रोककर तालाब बनाया, हर गांव के अंदर फलदार पौधे लगाए, गांव के अंदर जो पानी था उस सिंचित करने का काम आया और फलदार पौधे उस किसान की इनकम देने का काम किया। क्यों नहीं हम गांव के अंदर बनाए कि मेरे गांव के अंदर आने वाले समय के अंदर मुझे गांव को हरा भरा बनाना है। अगर 50 नौजवान निकल जाएं गांव के अंदर और एक गांव के अंदर कहे मुझे अब की बार 100 पौधे लगाना है, पौधे देने की जिम्मेदारी मेरी, लगाकर उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी है आपकी, तो गांव का बदलाव कहां होगा। अरे हमारे बड़े बुजुर्गों में जो पेड़ लगाया होगा उसकी छाया में आज भी अपन बैठते होंगे, वहां चौपाल लगाते होंगे, हमारे मन में क्यों नहीं विचार आता कि मेरे जीवन में भी पेड़ लगाऊं और सबसे हरा भरा मेरा गांव रहे। एक दिन सप्ताह में, हेलो, हेलो,
चालू होगा? हेलो, हेलो। तो मेरा आपसे आग्रह कि गांव को हरा भरा बनाना है। सप्ताह में एक दिन में एक गांव के अंदर गया तो उन गांव के अंदर इसी तरीके के किसी ने टी शर्ट पहन रखी थी। मैंने कहा आप क्या करते हो? कि हम एक टोली बना रखी है, हमने 7 दिन में एक दिन हम सब नौजवान निकलते हैं और उस गांव में स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। हमारा गांव आप देखो सबसे स्वच्छ गांव है। क्यों नहीं हरा भरा हो सकता? क्यों नहीं स्वच्छ होता? आप गांव के अंदर जाइए, अपने स्कूल में जाकर मिलिए। आपको लगता है स्कूल में कमरे की जरूरत है तो संपर्क कीजिए। कोई बच्चा ठंड में ठिठुरता है, उसके पास पहनने का जर्सी नहीं है, आप हमें बताइए। उस गांव के अंदर बच्चे कुछ कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, हमें बताइए। उस गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हमें बताइए। हम क्यों नहीं हमारे गांव में बदलाव की विचार करें? जब उस गांव के अंदर अच्छी शिक्षा होगी, तकनीकी शिक्षा होगी, तो गांव बदलेगा नहीं बदलेगा? हमारे गांव में कुछ 10-20-50 लोगों को तो विचार आएगा, मेरा गांव है, मुझे बदलना है, ये मेरी जिम्मेदारी, मुझे यहां रहता है। कुछ गांव इधर उधर कचरा भी डालते होंगे तो जब आपको सफाई करते देखेंगे तो उनके मन में आएगा नहीं नहीं इस गांव में नौजवानों ने टीम बनाई है। एक गांव ने कहा कि बिरला जी हमें एक टिपर चाहिए, टिपर देंगे। लोग कहेंगे अपने अपने कचरे में कचरा हम रखेंगे तो कचरा पॉइंट देंगे, उनको कूड़ादान देंगे, वो अपने डाले आप इकट्ठा करो। ऐसा काम खिलाड़ियों को खेल के मैदान में नहीं देखता मैं। खेल के अलावा भी इस गांव के अंदर व्यवस्था को सुधारना है तो खिलाड़ी एक ऐसा हो सकता है जिसमें टीम भावना है, सबको सहयोग लेकर भावना है, सबको साथ लेकर मिलने की भावना है। और अगली बार आपके गांव के अंदर हर नौजवान स्वस्थ रहे, एथलीट रहे, तो अगली बार अगस्त से हर पंचायत के अंदर हम सब एथलीट की दौड़ दौड़ाएंगे और उस पंचायत के अंदर महिलाएं नौजवान दौड़ेंगे और दौड़ेंगे भी कम से कम 3 से 4-5 किलोमीटर और उसमें से जो जीतेगा वह फिर विधानसभा में आएगा, फिर विधानसभा से जीतेगा उसको जिले में लाएंगे और उस एथलीट को भी हम इनाम देंगे ताकि वो एथलेटिक बने। अजी मैं दंग रह गया जब फॉरेस्ट के लोग पढ़ाई के अंदर कितने सिलेक्शन हुए, जितना सिलेक्शन रिटर्न में पास हुए उसमें कोटा बूंदी का 60% बच्चा खेल के मैदान में फेल हो गया, वो बाहर निकल गया। उसने अच्छी शिक्षा तो प्राप्त कर ली, दक्षता तो प्राप्त कर ली, लेकिन जब खेल के मैदान में गया तो उसके साथ 60% बच्चा वो खेल के मैदान की वजह से बाहर निकल गया। किसी का सीना कम है, किसी की लंबाई कम है, कोई दौड़ नहीं पा रहा, कोई भाला नहीं फेंक पा रहा, ऐसा क्यों होना चाहिए? ये विचार इन्होंने कहा। जब खेल का मैदान जब खेलने आएगा तो खेल के मैदान की मांग भी उठेगी। और मैंने कहा कि अगले 5 साल के अंदर हर गांव के अंदर खेल मैदान की मांग उठनी चाहिए और उस खेल मैदान की मांग को पूरा हम करेंगे। और इसीलिए इटावा के अंदर 1 महीने बाद 4.5 करोड़ की लागत से एक इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है जिसकी शुरुआत 1 महीने बाद करेंगे। और उसके बाद इटावा का ये इतना बेहतरीन मैदान है, इटावा के बाद बड़ी बड़ी पंचायत के अंदर मैदान बनाएंगे, उसके बाद फिर गांव में मैदान बनाएंगे, खेल के सामान उपलब्ध कराएंगे,
और खेल के सामान के अलावा जो जो आवश्यकता होगी टीम बनाकर काम करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं चाहता हूं इटावा ग्रामीण का नौजवान खिलाड़ी खेल की प्रतिभाओं में आगे बढ़े। आने वाले समय के अंदर जब ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, तो इटावा का नाम रोशन करते हुए मेरा एक खिलाड़ी नजर आए। आप सब खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप निश्चित रहें, जितने भी खिलाड़ी, जितनी भी क्रिकेट की टीम है, जो भी खेली है, हारी जीती या फर्स्ट रही सेकंड रही, लेकिन जो कुछ खेली है उसको भी समापन में क्रिकेट का किट देंगे ताकि वह खेल सके। दौड़ने के लिए उसको एथलीट की व्यवस्था करेंगे। और रस्सा कसी कबड्डी में तो कोई आवश्यकता है नहीं, रस्सा कसी की आवश्यकता हो तो रस्सा कसी दे देंगे। कबड्डी के अंदर टी शर्ट, और विधानसभा के अंदर आएंगे, लोकसभा आएंगे तो निकर दे देंगे। और अगली बार एथलीट का कराई रहे हैं, एथलीट में दौड़ने से जितना खिलाड़ी दौड़ेगा उनको सबको टी शर्ट उपलब्ध कराएंगे। और आने वाले समय के अंदर कोई गरीब व्यक्ति होगा और उसमें से जो जीतेगा उसको एक दौड़ने के जूते भी देंगे फर्स्ट और सेकंड को, ताकि वह आने वाले समय बढ़िया दौड़ सके। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।